हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूं वेगास मॉल में, जो कि स्थित हैगा द्वारका सेक्टर 14 पर। और यहां पर अंदर आने के बाद में कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। क्रिसमस की यहां पे क्या तैयारियां हैं, क्या सजावट है और कैसी भीड़ है, क्या ऑफ़र है, PVR सिनेमा और जो भी कुछ यहाँ पर कार्निवल के रिलेटेड प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उसको आपको पूरा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। साथ में बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो सामने सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लंदन ब्रिज और एक ये टेलीफोन बूथ, और उसी के साथ में हैगा एक बड़ा सा क्लॉक टावर। सामने उसके लगा हुआ है सेंटा क्लॉज का स्टैचू, और इस तरह के कई मोनूमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं देखने के लिए, जो कि क्रिसमस को मनाने के त्यौहार के अवसर के ऊपर जो यहाँ पे डेकोरेशन के हिसाब से लगाए गए हैंगे। क्रिसमस ट्री भी यहाँ पे लगे हुए हैं, जिन पर ऐसा दिखाया गया जैसे कि भाई उन पर बर्फ़ गिर रही हो। और यहाँ पे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं। सजावट बहुत ही लुभावनी है, जो देखने में हम सबको अच्छी लगेगी। और इसी करके यहाँ पर सब अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो वगैरह भी यहाँ पर बनाते हुए आपको दिख जाएंगे। बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अट्रैक्शन भरा जगह है, जिस वजह से लोग यहाँ पे खड़े होकर के कुछ ना कुछ समय ज़रूर बिता रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटें, डिस्को लाइटें इसमें खूबसूरती में और चार चांद लगा रही हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और देखने के लिए हमको क्या मिलेगा। आगे आने पर पता चलता है कि यहाँ पर सिल्वर और गोल्डन कलर के डियर्स भी सजावट के लिए यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर लगाए गए होंगे। तो चलिए, ये देखने के बाद में और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या है। ये सामने वही क्लॉक टावर है जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको जिक्र करा था, और सामने उसके लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस। और आगे जाने पे, इस जगह से हट करके और आगे जाने पर आगे कुछ इस तरह से शोरूम आने शुरू हो जाते हैं, जिनमें मेंस वियर, जेंट्स वियर, किड्स वियर, फुट वियर, कॉस्मेटिक और गोल्डन ऑर्नामेंट्स के कई तरह के आपको शॉप और शोरूम्स वगैरह मिलेंगे देखने के लिए। और आगे बढ़ने पर अब यहाँ पर एक आती है ऑप्टिकल की शॉप, जिस पे सनग्लासेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में रखे हुए हैं, अगर यहाँ कोई लेना चाहे तो ले सकता है। आगे आए तो यहाँ पे अब देखने को मिले हैं पेंगुइन, यहाँ पर भी फ़ोटो क्लिक करवाई जा सकती है। हॉल के चारों तरफ जो भी नज़ारा है वो आपको मैंने यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और छत पर कैसे स्टार्स लटकाए हुए हैं रंग बिरंगे, उनमें लाइट्स जलती हुई, सजावट बहुत ही बेहतरीन है, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और क्रिसमस को एंजॉय करने में पूरा यहाँ पर मज़ा भी आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। शाम का समय हो चुका है और लाइटें भी जगमगा उठी हैं, जल बुझ करती हुई ये लाइटें आपका मन लुभा लेंगी। यहाँ पर भी एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ है, जैसे एक बर्फ़ के अंदर स्नोमैन बनाया जाता है, उस तरह से भी यहाँ पे स्नोमैन का कैरेक्टर बना के तैयार करके खड़ा किया हुआ है। यहाँ पर भी फ़ोटो क्लिक हो रही है, इसका पूरा व्यू देखने के बाद में पीछे बड़ा क्रिसमस ट्री भी नज़र आ रहा है। अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे एक लाइटों से हट जैसे बना रखा है, उसके पीछे बड़ी विशालकाय इमारतें हैंगी और उन इमारतों के ठीक नीचे लाइट्स। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। आगे आने पर यहाँ देखने को मिलता है एक और सेल्फ़ी या फ़ोटो पॉइंट, जहाँ पर सेंटा क्लॉज को लगा करके खड़ा किया हुआ है। यहाँ पर भी आप अपनी फ़ोटो वीडियोस बना सकते हैं, और ये सब तैयारियाँ 1 जनवरी या 2 जनवरी तक चलने वाली हैं। दोस्तों, अब आपको और आगे लेकर के चलता हूँ, और यहाँ पर एक ओपन मार्केट भी लगी हुई है, इसमें भी चल कर के देखते हैं कैसा नज़ारा है और क्या यहाँ पे डेकोरेशन है, क्या कुछ ऐसा खास है कि पब्लिक इधर भी काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है।
तो यहाँ भी एक छोटा सा एक सिपाही बना के खड़ा किया हुआ है कार्टून कैरेक्टर वाला, उस पर भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो। और अंदर लाइट की डेकोरेशन तो है ही, साथ में अंदर का नज़ारा भी देख लेते हैं कैसा हैगा। दोस्तों यहाँ अंदर आने पर एक बेहतरीन ही नज़ारा और अलग सा कुछ लुक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ फॉरेनर मॉडल्स को खड़ा किया हुआ है जो कि अलग अलग अपनी ड्रेसेस पहने हुए हैं और क्रिसमस से रिलेटेड हैं। सेंटा क्लॉज भी है जिसके साथ सभी जने यहाँ क्रिसमस की यादों को संजोने के लिए अपने अपने फ़ोटो और वीडियो यहाँ पर शूट कर रहे हैं। ये यादें कुछ ऐसी होंगी जो अगले साल तक आपके पास रहेंगी और आप भी ये साथ में अपने यादों को अपने मेमोरी को रखना चाहेंगे कि हाँ भाई हमने 25 दिसंबर को वेगास मॉल में अपनी फ़ोटो यहाँ पे या वीडियो यहाँ पे बनाई थी। और अपने सोशल मीडिया पर भी आप इन वो यादों को ज़रूर शेयर करोगे। क्रिसमस ट्री है सामने, एक डोनाल्ड डक का कैरेक्टर हैगा कार्टून वाला, और ये कुछ मैं आपको घूम करके पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मॉडल्स कुछ बैंड बजाते हुए जो देखने में बिल्कुल अलग ही आपको फील देने वाली होंगी। और वही है कुछ बच्चों का किड जोन आ गया जिसमें छोटी छोटी कारें हैं अलग अलग डिज़ाइन में, और एक सामने काउंटर लगा है प्ले एंड विन का, आओ देखते हैं वहाँ पर भी। और ये इसमें ऐसे बॉल डालनी है, अगर बॉल इसी में रह जाएगी तो ये सामने जो टॉयज रखे हैं ये इनको एज ए गिफ्ट मिल जाएंगे। और यहाँ कुछ शोरूम्स हैं उनका भी ओवरव्यू कर लेते हैं। मालाबार, कल्याण ज्वेलर्स, लेंस कार्ड, दयाल ऑप्टिकल्स, और यहीं नेचुरल फ्लावर्स की भी काफ़ी बड़ी डेकोरेशन की हुई है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है लाइटें बढ़ती जा रही हैं। ये एक सामने है टॉय ट्रेन बच्चों के लिए जिसमें वो इस बैठ करके बच्चे इस बहुत ही अच्छे ये टॉयज लगा रखे हैं, बैटरी ऑपरेटेड आएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब नज़ारा देखते हुए मैं आपसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये तो 25 दिसंबर का कुछ मेमोरी थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। इसके आगे अब मैं कहाँ घूमने जाता हूँ वो भी वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल का बटन दबाना ना भूलना। क्रिसमस कार्निवल के अवसर पर जो यहाँ पे प्रोग्राम को शाम के लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था वेगास मॉल के अंदर, वो अब यहाँ पे पूरा हो चुका है। और ये बैंड पार्टी या फॉरेन के जो ये मॉडल्स हैं अब ये वापस अपने रूम की ओर जा रहे हैं। और इनके साथ साथ चलते हुए आगे भी आपको यहाँ वेगास मॉल का और छोटा सा लुक दिखाने की पूरी अपनी कोशिश है। दिखाते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से ब्रांड के और यहाँ पर शोरूम्स बने हुए हैं, और किसी जगह पे आपको भी लेके चलता हूँ। किड्स सेक्शन भी आपको दिखाऊंगा जहाँ बच्चों के लिए काफ़ी सारा गेमिंग जोन है, उनके लिए टॉयज़ लगे हुए हैं, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आकर के अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए थोड़ा उनको टाइम दे सकते हैं। ये कुछ सामने नज़ारा है छोटे छोटे स्टैचूज टॉयज़ का देखने को, और कैसी डेकोरेशन है वो भी आपको यहाँ नज़र आ रही है देखने के लिए। ये आ चुका है किड सेक्शन जिसको फन सिटी के नाम से यहाँ वेगास मॉल में जाना जाता है।
बहुत सारी गेम्स हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने पसंद के हिसाब से उसको वहाँ पर खेल करके एंजॉय कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे ऑफर्स भी चल रहे हैं 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक के लिए, तो उसमें कुछ डिस्काउंट भी आपको यहाँ बच्चों को गेम खेलने के लिए मिल जाएगा। ये हेमलेस की शॉप है और यहाँ पर इस शोरूम के अंदर या शॉप के अंदर काफ़ी सारे टॉयज़ को दिखाया गया है। उनमें से कुछ मैंने भी आप सबके लिए वीडियो के तौर पे कैप्चर किए ताकि आप भी देख सकें। मैंने तो काफ़ी सारे यहाँ पे गेम्स और टॉयज़ वगैरह को देखा है, कुछ आपको ये दिखाने के लिए ये मैंने वीडियो में क्लिप्स डाले हैं। शॉप शोरूम के बाहर यहाँ पर भी क्रिसमस ट्री को लगाया गया है, क्योंकि मौका क्रिसमस का है तो वो तो डेकोरेशन बनती ही है। और ये विगोस मॉल का बाहर से नज़ारा है।